सो व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग फाइनली बात करेंगे मैटे 197 से व्हाट टू हेडशॉट आप कैसे ले सकते हो। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर जितने सारे ट्रिक बताऊंगा, ये सारे ट्रिक नया भी होने वाले हैं, उसके साथ साथ सीक्रेट भी होने वाले हैं। तो गाइस आपको बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को बिना किसी स्किप किए देखो, क्योंकि गाइस अगर आप कहीं पर भी स्किप करते हो तो गाइस आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइस आप यहाँ पर वीडियो को बिना किसी स्किप किए देखो। और गाइस उसके साथ साथ अगर को आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना। तो गाइस चलो बिना किसी देरी किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर M1897 से वाइंड अप लेने के लिए काफी सारे ट्रिक होता है, जिसको यूज करके गाइस आप यहाँ पर काफी अच्छा खासा वाइंड अप हेडशॉट ले सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं आज जो भी ट्रिक बताऊंगा, ये सारे ट्रिक काफी एडवांस लेवल पे काम भी करता है। उसके साथ साथ गाइस आप ये ट्रिक को यूज करके काफी इजिली वाइंड अप हेडशॉट ले सकते हो। तो गाइस उसके लिए आपको सबसे पहला ट्रिक क्या फॉलो करना है, ड्रैग टेक्निक। यहाँ पर गाइस अक्सर क्या होता है कि हम लोग ड्रैग जब करते है उसी टाइम ही कहीं ना कहीं गलती देते हैं, जिस वजह से वाइंड अप हेडशॉट की जगह बॉडी शॉट लगता है। और गाइस आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा ही हो रहा है तो गाइस आप बस ये वीडियो को पूरा देखो, उसके साथ साथ मैं जो भी ट्रिक बताऊंगा ये सारे ट्रिक को अच्छे से फॉलो करो। उसके बाद आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये ट्रिक सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस आपको यहाँ पर ड्रैग टेक्निक में क्या क्या ट्रिक फॉलो करना है, सारे कुछ गाइस मैं आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप एक क्लिप देख सकते हो कि एनिमी मेरे सामने, जो एनिमी है वो लेफ्ट की ओर भाग रहा था। तो गाइस यहाँ पर मैंने किस तरह से उसको वाइंड अप लिया, यहाँ पर गाइस मैंने क्या किया, फायर बटन को थोड़ा सा नीचे करके लेफ्ट की ओर ड्रैग कर दिया और काफी इजीली काफी अच्छा खासा रेड नंबर हेडशॉट भी लग गया। तो गाइस आपको यहाँ पर हमेशा एनिमी डायरेक्शन में ड्रैग करना है। बहुत सारे बंदे क्या करता है, सिर्फ सीधा ड्रैग करते हैं, आई मीन ऊपर की ओर सीधा ड्रैग कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कई बार एनिमी जो आप लेफ्ट या राइट की ओर भागता है तो गाइस उसी टाइम वाइंड अप हेडशॉट ही नहीं लगता है, बल्कि उसका एम आसमान में चले जाते हैं या फिर बॉडी पे लॉक होता है। आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, जिस तरफ एनिमी भाग रहा है उसी डायरेक्शन में आपको ड्रैग करना है, इससे गाइस आपका वाइंड अप हेडशॉट काफी इजीली लगता है। उसके साथ साथ गाइस आपका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा खासा हो जाते है कि कब किस तरह से ड्रैग करना पड़ेगा, कब क्या करना है। तो गाइस यहाँ पर आपको ड्रैग में क्या करना है, एनिमी अगर लेफ्ट की ओर भाग रहा है तो गाइस आपको फायर बटन को थोड़ा नीचे करके लेफ्ट की ओर ड्रैग कर देना है। और गाइस अगर एनिमी राइट की ओर भाग रहा है तो गाइस आपको फायर बटन को थोड़ा नीचे करके राइट की ओर ड्रैग कर देना है। आपको बस इतना सा ही ट्रिक फॉलो करना पड़ता है, लेकिन गाइस आपका ड्रैग का स्पीड जो है फास्ट होना चाहिए। तो गाइस अभी जंप करते हैं दूसरा नंबर ट्रिक की ओर, जो कि गाइस होने वाले है सेंसिटिविटी। क्योंकि गाइस यहाँ पर किसी भी गन से अगर आप वाइंड अप हेडशॉट या फिर ड्रैग हेडशॉट लेना चाहते हो तो गाइस उसके लिए आपका परफेक्ट सेंसिटिविटी काफी हद तक कम में आता है। तो गाइस आपको यहाँ पर सेंसिटिविटी सेटिंग में क्या करना है, आपको यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी को 100 कर लेना है और गाइस उसके साथ साथ आपको यहाँ पर रेड डॉट सेंसिटिविटी को 92 पे सेट कर लेना है। यहाँ पर गाइस आपको जनरल को 100 और गाइस यहाँ पर रेड डॉट सेंसिटिविटी को 92 पे सेट करना है। बाकी गाइस आपको सेंसिटिविटी सेटिंग में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये दो चीज को चेंजेस कर लेना है। उसके बाद गाइस जंप करते हैं तीसरा नंबर ट्रिक की ओर, जो कि गाइस होने वाले है जॉयस्टिक। यहाँ पर गाइस जॉयस्टिक जो है बहुत ही अलग लेवल का एक चीज होता है वाइंड अप हेडशॉट लेने की टाइम। क्योंकि गाइस यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे बंदे क्या करता है, जब वाइंड अप लेने की कोशिश करते हैं उसी टाइम भी जॉयस्टिक को पकड़ के रखते हैं। और गाइस अगर आप इस तरह से फायर करने की टाइम, आई मीन ड्रैग करने की टाइम अगर आप जॉयस्टिक को पकड़ के रखोगे तो गाइस आपका वाइंड अप हेडशॉट कभी भी नहीं लगेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको जॉयस्टिक को तब यूज करना है जब आप एम प्लेसमेंट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उसी टाइम गाइस आप जॉयस्टिक को यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन गाइस आप जब ड्रैग करोगे उसी टाइम गाइस आपको जॉयस्टिक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर आप जॉयस्टिक को पकड़ के रखते हो उसी टाइम आपका एम भी काफी बड़ा होता है। उसके साथ साथ गाइस एम एक ही जगह प्लेसमेंट होके नहीं रहता है, इधर उधर मूवमेंट होता रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका एम प्लेसमेंट भी परफेक्ट तरीके से नहीं होता है। उसके साथ साथ गाइस आपका वाइंड अप हेडशॉट भी नहीं लगता है। तो गाइस आपको यहाँ पर ड्रैग करने के टाइम कभी भी जॉयस्टिक
स्टिक को यूज नहीं करना है। जैसे गाइस आपका ड्रैग कंप्लीट हो जाएगा या फिर ड्रैग करने से पहले आप यहाँ पर जॉयस्टिक को दबा के यूज कर सकते हो, लेकिन गाइस ड्रैग करने के टाइम आपको जॉयस्टिक को यूज नहीं करना है। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। बस आप ये टॉप 4 टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करो, उसके बाद आपका वन टैप एपिसोड कैसा लग रहा है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ साथ गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना। तो गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।